जय श्री राधे मित्रों आज हम आपको आपकी दिनचर्या कैसी बीतने वाली है बताने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर पहले से थोड़ा अपने बारे में पता हो कि आज कुछ ऐसा हो सकता है तो आप तैयार रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूरे दिन रहेगी इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी विशाखा नक्षत्र रात आठ बजकर इकतीस मिनट तक रहेगा इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा इस दिन कुछ अशुभ मुहूर्त भी राहु काल दोपहर दो, दो बजकर अट्ठावन मिनट से चार बजकर चौबीस मिनट तक यमगंड काल सुबह नौ बजकर पंद्रह मिनट से दस बजकर चालीस मिनट तक गुली काल दोपहर बारह बजकर छः मिनट से एक बजकर बत्तीस मिनट तक और अब आइए मित्रों शुरू करते हैं आज का राशिफल मेष राशि कानूनी मामलों में आप विजय हो सकते हैं दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती आएगी कारोबार में विस्तार करने के मौके मिलेंगे रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी पारिवारिक वातावरण थोड़ा भावुक रहेगा वृश राशि बिजनेस में पार्टनर्स के साथ तालमेल की कमी हो सकती है बेवजह के खर्चों पर अंकुश लगाएं। आपके कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाएंगे फिर भी आप काफी समझदारी से परिस्थितियों का सामना करेंगे ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी दूसरों के मामलों में प्रतिक्रिया ना दें मिथुन राशि कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं मित्रों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे बच्चों की गलतियों को अनदेखा ना करें पेट दर्द की शिकायत हो सकती है प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका है लोग आपके कार्यों में गलतियां निकाल सकते हैं। कर जब तक आपके काम पूरे ना हो तब तक उससे पीछे ना हटें। विधिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की आय बढ़ सकती है दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रहेगी घटनों में दर्द उभर सकता है कार्य क्षेत्र में बार बार राजनीति बदलना आपके लिए घातक हो सकता है सिंह राशि दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और समर्पण भाव बढ़ेगा परिजनों के साथ किसी मनोरंजक ट्रिप के लिए जाने की योजना बना सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में डूबा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है यात्राओं के लिए यह दिन बहुत ही शुभ है कार्य क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं कन्या राशि आज धन की स्थिति कमजोर रहने वाली है वाहन चलाते समय सावधानी रखें प्रेमी जन से किसी कारणवश झगड़ा हो सकता है विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ लापरवाही कर सकते हैं अजनबियों से ज्यादा संबंध ना रखें शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय रहेंगे तुला राशि कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी व्यवसाय में बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़े अनुबंध मिलने की संभावना बन रही है। करियर को लेकर उलझने दूर होंगी सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध मजबूत होंगे रिलेशनशिप को लेकर आप काफी दबाव में आ सकते हैं वृश्चिक राशि जॉब में आपके सहकर्मी परेशान हो सकते हैं शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे विदेशी कंपनियों में जॉब कर रहे लोगों को उच्च पद मिल सकता है पैर दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की शिकायत हो सकती है कृषि कार्यों में नुकसान होने की आशंका है दूसरों से ज्यादा अपेक्षा ना करें धनुराशि आपके आसपास का माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा सामाजिक कार्यों में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट और अन्य माध्यमों पर निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा परिजनों की चिंता रहेगी मकर राशि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा अधूरे पड़े कार्यों को निपटाने में लगे रहेंगे कारोबार में आ रही परेशानियों का हल हो जाएगा आपकी जीवन शैली में बदलाव आ सकते हैं किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भावना आने दें। विरोधी आपके आगे नतमस्तक रहेंगे कुंभ राशि पति पत्नी के बीच रिश्तों के बीच का तनाव कम होगा सरकारी कार्य किसी कारणवश लंबित हो सकते हैं ऑफिस में सहकर्मी आपसे खुश नहीं है पूजा पाठ में आपकी विशेष रुचि रहेगी पिता के स्वास्थ्य की कुछ चिंता हो सकती है विद्यार्थियों को शिक्षा में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे मीन राशि जॉब में आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं हालांकि पुराने अनुभवों का आज लाभ आपको मिल सकता है इसके कारण आपके अधिकारी आपसे नाराज भी हो सकते हैं बातचीत के दौरान शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें खान पान में असंतुलन के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है हाथ पैरों में शिथिलता रहेगी आशा करते हैं आप सभी का दिन मंगलमय हो ज्योतिष और अपनी लाइफ की समस्या के समाधान के लिए देखते रहें दर्शन 24